कहा गैस बन गई इसको भी चलो गैस बनती है अभी इसको महाराज। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पहाड़ी के बारे में। ये मोटरसाइकिल की आवाज काफी ज्यादा है, थोड़ी खपतदार डालता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। थोड़ा ड्राई विस्की कैसे हो आप सभी लोग, आइयो आप सभी लोग हमेशा इधर व्लॉग कर रहे होंगे। तो दोस्तों यार मैं काफ़ी देर के बाद व्लॉग कर रहा हूँ और इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था और मेरा फ़ोन भी नहीं था जिसमें मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो विंड नॉइज़ सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया। तो थोड़ी देर की बात है यार, एडजस्ट कर लो। तो उसके बाद मेरा कैमरा भी आ जाएगा तो क्वालिटी भी एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आज मैं जा रहा हूँ व्लॉग करने और जा रहा कहाँ पे हूँ आपको दिखाता हूँ, उन पहाड़ियों पर। लास्ट व्लॉग भी हमारा वहीं का था। तो यार मोटरसाइकिल की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी खपतदार डालता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसमें अभी एग्जॉस्ट लगाया नहीं है, तभी इतनी आवाज़ कर रहा है। जब एग्जॉस्ट ले जाएगा सोचो क्या करेगा यार ये। तो आप रास्ते को एंजॉय करो और चलते हो पर थोड़ा एंजॉय करेंगे, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगे और देखेंगे थोड़ा जो डैम तक भी चलेंगे, ठीक है। तो नज़ारे लोग हो रहे हैं अभी। अब ये कच्चा रोड खत्म और यहाँ से हाईवे शुरू। और अभी मैं आपको बताता हूँ एक चीज। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पहाड़ी के बारे में कि इस पहाड़ी का चक्कर क्या है। जब ये हाईवे बन रहा था तो ये पहाड़ भी बीच में आ रहा था और इस पहाड़ को भी उन्हें काटना था। पर जितनी बार भी इस पहाड़ को काटने की कोशिश कर रहे थे उतनी बार इस पहाड़ पर सांप आके बैठ जाते थे, तो उसकी वजह से इस पहाड़ को नहीं काट पाए। और सुनने में ऐसा आया है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ऐसा है भी या नहीं, बट सुनने में ऐसा आ रहा है जो बंदा इस पहाड़ को काट रहा था उसकी भी थोड़ी देर बाद डेथ हो गई थी। श्योर नहीं हूँ कि ऐसा है भी या नहीं, बट ऐसा कहा जाता है कि लोगों के द्वारा। तो उसके बाद से इस यहाँ पर डिवाइड, इस पहाड़ को डिवाइड कर दिया हुआ है। ये जाने का रास्ता है और वहाँ से आपको दिख रहा होगा वो आने का रास्ता है। और ये पहाड़ आज तक कभी कोई काट नहीं पाया। दोस्तों एक बात और, यहाँ पे जो आपको ऑल्टो दिख रही है, यहाँ पे पहले चेक पोस्ट होता था, तो अब ये चेक पोस्ट हटा दिया हुआ है क्योंकि ऊपर है ज्योतिपुरम और ज्योतिपुरम को पूरा कवर कर दिया है। वहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ये सामने आपको कुछ बिल्डिंग दिख रही होंगी, ये ज्योतिपुरम और इस जगह को पूरा कवर कर दिया है। अगर किसी ने भी यहाँ पे अंदर जाना हो तो आपको परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। और जिसने अंदर जाने की परमिशन लेनी है आपको गेट से परमिशन मिल जाएगी तो आप अंदर जा सकते हो। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से ऊपर और यार व्यू देखो यहाँ का कितना नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। एक बार क्वालिटी थोड़ी कम है, थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर लो यार, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ। तो व्लॉग्स भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा और बस पहले यार आप ये व्यू देखो यार। तो आज यार कोई राइड का प्लान था नहीं, हम ऐसे निकल पड़े हैं, कोई पता नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं। जहाँ जहाँ हमको ये रोड लेके चलेगा हम वहाँ वहाँ चल पड़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। वो देखो डीसी साहब का घर, एलो हमारा लेडी माउंटेन। अगर आपको जस्टिस हो रही है ठीक है, और अगर जस्टिस नहीं हो रही है तो अपने घर के छत पर चढ़ो और देखो। रियासी के लोगों को पता ही होगा और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ये सामने जो आपको रोड दिख रहा है यहाँ से बस नीचे गिरी थी और बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी उस टाइम। तो ये आ गया ज्योतिपुरम का गेट, हम यहाँ से अंदर जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, बट हमारा कोई काम नहीं जाके करेंगे क्या। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर क्या सलाद चलते हैं। रोड देखो, ये रोड इसमें जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पहले रोड होते ही नहीं थे और अब यहाँ पे रियासी से भी ज़्यादा अच्छे रोड बने हुए हैं। काश रियासी के भी इतने अच्छे रोड बन जाते तो मज़ा आता वहाँ पे बाइक चलाने का। यार कितनी शांति है यार यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा है मेरे को। यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अभी भाई ट्रक आते हैं उनकी आवाज़ होती है, बट अभी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, ना ट्रक की ना किसी की, एकदम खुला आसमान। इतना मज़ा यार यहाँ पे, आओगे ना नज़ारा लेके जाना। तो भाई साहब आपको जो सामने दिख रहे ना जितने बूटे लगे हुए हैं, लास्ट टाइम हम वहीं पे गए थे शूट करने अपना व्लॉग और वो है बाबा बिड्डा। तो जिसने अभी तक मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है ऊपर कार्ड आ गया होगा तो जाके व्लॉग देख लेना, बड़ा अच्छा व्लॉग बना हुआ है देख लेना और बिल्कुल मौजूद है इस व्लॉग में, मज़ा बड़ा आएगा। और सामने यार व्यू देखो कितना सही आ रहा है यार, पहाड़ियाँ देख रहे हो और ये बादल देख रहे हो कितने सही हैं, मैं बोलूँ मज़ा आ गया यार यहाँ पे। ओ यहाँ पे लैंडस्लाइड भी होती है और ये पस्तियाँ गिरी हुई हैं। आफ्टर विस्की ड्राइव विस्की, मगर यार हम तो पीते ही नहीं है विस्की तो क्या करेंगे ड्राइव रिस्की करके। हेड पर दोस्तों कभी भी यार ये पहाड़ गिर सकते हैं, मोड देखो कैसा इतना रिस्की कर रहा है,
और यहाँ पे सिर्फ ब्लाइंड टर्न्स है, अगर आगे से कोई गाड़ी आएगी ना तो आपको दिखेगी नहीं जब तक गाड़ी आपके सामने ना आ जाए, तो इसलिए हमेशा बिल्कुल आस करना है। और ये क्या लिखा है, वी कट माउंटेन बट कनेक्ट हर्ट्स। क्या आवाज़ है यार, क्या आवाज़ है। तो दोस्तों यार व्यू देखो एकदम कितना नसक्सी आ रहा है, और जो आपको सामने ये जगह दिख रही है, ये जो बनाया हुआ है, इसको मुझे पता नहीं है बोलते क्या है, बट ये तब बनाते हैं जब ऐसी किसी जगह पे किसी की डेथ हो जाए, और ये आपको लगभग थोड़ी देर बाद हर जगह मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई हुई है। और सामने का व्यू देखो यार, क्या कह रहे हो, वहाँ पे भी चलना है, चलते हैं भाई चलते हैं, थोड़ा मज़े तो ले दो। ये देखो डैम, इन्नू हमारा डैम लग रहा है यहाँ से, लोग आपको डैम दिखाते हैं नीचे से, भाई आपका डैम से ही ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, वहाँ पर। व्यू देख रहे हो कितना नेक्स्ट लेवल आ रहा है यार। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और व्लॉग चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बनाते रहूँगा। तो ऐसे ही आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए करना क्या, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा ना, इसको दबाओ, चप्पल मारो, हथौड़ा मारो, जो मारना मारो, बट दब जान चाहिए, मुझे नहीं पता जैसे दबे बट दब जान चाहिए। भाई ऐसे हॉर्न होते हैं इनके। ओ यार ठंड लग रही है यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा, नीचे इतनी गर्मी थी, यहाँ पर ठंड एकदम बढ़ गई हुई है। और अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और सामने वो गुफा दिख रही है, उसी गुफा में हमने घुसना अभी, चलो महाराज। बाय बाय दोस्तों, ये आ गया टनल, और अभी हम घुस जाएंगे टनल के अंदर। गैस बन गई, इसको भी चलो गैस बनती है, मारे के कह रहा। दोस्तों अभी हम आपको दिखाएंगे कि जब आपके मोटरसाइकिल की टिड में गैस बन जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। पहले नंबर मोटरसाइकिल का ढक्कन खोलो, इसी खोलो, फिर करना तेल तो है, शुक्र है बच गया। अभी हमने इसकी गैस कट दी, चाबी और की चोक लगाई, तो अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे मोटरसाइकिल सेंसर। भाई व्यू देखो यार, भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार, मजा आ गया। सामने बर्फ देख रहे हो, ये आपको कैमरे में यार व्यू देखो, वाह भाई वाह, क्या जगह यार। दोस्तों अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो कि है हमारी रियासी में, उसको मैंने पहले भी कवर किया है जब हमारा फैन टूर गया था, तो अभी मैं आपको वो ब्रिज एक बार वापस दिखाता हूँ। वो देखो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, ये जो ऊपर सामने आपको दिखने होंगे रेड वाइट कलर का, ये है क्रेन, मैं आपको सर्कल करके दिखा दूंगा, और ये है हमारा ब्रिज। अभी हम यहाँ इतनी दूर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अभी यहाँ से वापस। भाई साहब व्यू देख रहे हो, आपसे से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो, जैसे ही आप मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करवाओगे मैं उसी वक्त GoPro ले आऊँगा, और जब आप मेरे कराओगे 2000 सब्सक्राइबर्स, उस 2000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में मैं एक ट्रिप प्लान करूँगा, और वो ट्रिप कोई छोटी मोटी ट्रिप नहीं होगी, भले ही हम ज़्यादा दूर ना जाएँ, बट जो ट्रिप होगी ना फुल ऑफ सिनेमैटिक्स, एकदम अच्छी क्वालिटी, और आपको मज़ा आ जाएगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको मज़ा आ जाएगा, बस आपको करना ही है कि आपको मेरे को थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। और यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, टनल के उस पार और यहाँ पे क्लाइमेट में बड़ा ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, बट यार वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, भाई क्या सुनाऊँ। तो चलते हैं, तो यार पीछे मिल गया हमको एक शॉप, सोचा चिप्स ही ले लेते हैं खाने के लिए कुछ, ठीक है नहीं, मन कर रहा है खाने कुछ यार, चलते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आज के व्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो करना लाइक, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ जल्दी, टिल देन बाय एंड स्टे सेफ।